हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। प्रकाश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फिजिक्स के चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हम लोग लास्ट लेक्चर में दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक एवं एम्पियर का परिभाषा देखे थे। आज हम लोग एक दो पॉइंट और देख लेते हैं, उसके बाद एम्पियर्स लॉ देखेंगे। आज का हम लोगों का टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज इन मोशन। अगर कोई चार्ज मोशन में है तब उसके द्वारा कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, यह बात हम लोग आज एक्सप्रेशन में करेंगे। जैसे कोई चार्ज दिया गया है, पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज हो सकता है, अगर वह मूव कर रहा है तब उससे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, यह बात देखना है। मान लिया जाए कि कोई चार्ज Q है जो V वेलोसिटी से मूव कर रहा है। लिखते चलते हैं, समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। माना कि कोई आवेश Q प्लस क्यू ले लेते हैं, पहले कोई आवेश प्लस क्यू समरूप वेग भी से कागज के तल में गति कर रहा है, अब देखो डेल्टा टी समय में, यह अगर डेल्टा एल दूरी तय करता है, यदि डेल्टा टी समय में तय की गई दूरी डेल्टा एल हो तब डेल्टा एल बराबर क्या होगा, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तो चाल है भी और समय है डेल्टा टी, तो डेल्टा एल बराबर क्या हो जाएगा, भी इंटू डेल्टा टी। तथा आवेश है, मूव कर रहा है, तब धारा आई बराबर क्या हो जाएगा, धारा बराबर क्या होता है, क्यू बाई टी, तो क्यू बाई डेल्टा टी, क्यू बाई डेल्टा टी होगा। इसमें किसी को दिक्कत? अगर Q आवेश है, डेल्टा T समय में चल रहा है, अगर तय की गई दूरी डेल्टा L हो तो डेल्टा L बराबर V इंटू डेल्टा T, और धारा का फॉर्मूला क्या होता है, I बराबर Q बाई T। तो यहाँ तो आवेश Q है लेकिन टाइम डेल्टा T है, तो I बराबर Q बाई डेल्टा T। अब देखो बायो सावर्ट का नियम क्या कहता है, बायो सावर्ट के नियम से बी बराबर म्यू नॉट बाई फोर पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर होता है ना फॉर्मूला, इतना बात पहले लिखिए, बी बराबर म्यू नॉट बाई फोर पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, साथ साथ लिखते चलिए, उसके बाद समझेंगे। अब देखो B बराबर क्या हो गया हमारे पास, म्यू नॉट बाई फोर पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। अब देखो B बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाई फोर पाई आई के जगह बोलो क्या भरें, Q बाई डेल्टा T, डी एल के जगह पर क्या भरें, डी एल या डेल्टा एल लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको डेल्टा एल कर देते हैं, स्मॉल डेल्टा एल लिए हैं, तो डेल्टा एल बराबर क्या भरेंगे, भी इंटू डेल्टा टी इंटू साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो गया, तब बी बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाई फोर पाई Q इंटू भी साइन थीटा बाई आर स्क्वायर।
बाई आर स्क्वायर। और अगर यह पॉजिटिव चार्ज है तब इसका डायरेक्शन होगा आउटवर्ड। इम्पोर्टेंट बात देखिए, आपको बताते हैं, अगर यह पॉजिटिव चार्ज है तब इसका जो डायरेक्शन होगा बी का, वह कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ऊपर की ओर, और अगर यही निगेटिव चार्ज रहता तो कागज के तल के भीतर की ओर। यहाँ पर हम आपको नोट लिख देते हैं, पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन अपवर्ड, ये डॉट का मीनिंग हो गया अपवर्ड, निगेटिव चार्ज डायरेक्शन इनवर्ड। सबसे इम्पोर्टेंट बात, बी का फॉर्मूला हो गया म्यू नॉट बाई फोर पाई क्यू भी साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। डायरेक्शन कैसे देंगे, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड नॉर्मल, और निगेटिव चार्ज है तो इनवर्ड नॉर्मल। तो अगर आपको Q दिया रहे, V दिया रहे, थीटा दिया रहे, R दिया रहे, यानी चार्ज का वैल्यू दिया रहे, चार्ज किस वेलोसिटी से जा रहा है वह वैल्यू दिया रहे, कितना एंगल बनाते हुए वेलोसिटी है और कितना डिस्टेंस पर R पर, अगर आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछे तो B का फॉर्मूला लगा दीजिएगा म्यू नॉट बाई फोर पाई क्यू भी साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। न्यूमेरिकल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर कोई चार्ज Q है, V वेलोसिटी से थीटा एंगल बनाते हुए मूव कर रहा है, तो R डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड B बराबर म्यू नॉट बाई फोर पाई क्यू भी साइन थीटा बाई आर स्क्वायर होगा। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए या स्क्रीन पॉज करके इसको लिख लीजिए, इसको मिटाते हैं। अब अगला हेडिंग हम लोगों को देना है, दो समांतर गतिमान आवेश हैं तो उनके बीच लगने वाला बल। दो समांतर गतिमान आवेशों के बीच लगने वाला बल, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल मूविंग चार्जेज, मूविंग चार्जेज। दो समांतर गतिमान आवेशों के बीच लगने वाला बल। देखो, यही बात समझना है, न्यूमेरिकल के लिए इम्पोर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पर आ जाएगा कि कोई दो चार्ज अगर मोशन में है तब उस पर बल लगेगा। तो जहाँ पर चार्ज मूव कर रहा है वहाँ पर दोनों प्रकार का बल लगेगा, एक इलेक्ट्रिक फोर्स और दूसरा मैग्नेटिक फोर्स। तो हम यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे मैग्नेटिक फोर्स का, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है, दो आवेश रहेगा तो कूलम्स लॉ लगा देंगे, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। लेकिन मूव कर रहा है तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा, तो मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा सबसे पहले हम लोग इसका चर्चा करेंगे। मान लिया जाए कि दो आवेश है, एक है क्यू वन, इसको लिखेंगे नहीं, बात को समझना है, दो आवेश है क्यू वन और क्यू टू जो एक दूसरे से आर दूरी पर V1 तथा V2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। चार्ज Q1 का जो वेलोसिटी है V1 और चार्ज Q2 का वेलोसिटी है V2 और V2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। V1 और R के बीच का एंगल अगर हम लोग थीटा मान लें, V1 तथा R के बीच का एंगल थीटा मान लें, तो Q2 पर मैग्नेटिक फील्ड Q1 के कारण, Q2 पर मैग्नेटिक फील्ड Q1 के कारण, तो हम इसका नाम दे दिए B1, Q1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड हो गया B1। क्या होता है फॉर्मूला, म्यू नॉट बाई फोर पाई Q1, अभी बताए थे Q1 V1 साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला बताए थे ना कि B बराबर म्यू नॉट बाई फोर पाई Q भी साइन थीटा,
अगर आवेश है आपका Q1, वेलोसिटी है V1 और R से एंगल बना रहा है थीटा, तो B1 बराबर हो जाएगा μ0/4π Q1V1 साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। बोलो इसमें किसी को दिक्कत? अब यह जो B1 हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें रखा गया है Q2, इसमें रखा गया है Q2, तो Q2 पर मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा? यहां लिख दें फोर्स ऑन चार्ज Q2। कौन सा फोर्स निकालने की चर्चा कर रहे हैं? मैग्नेटिक फोर्स। तो F का फॉर्मूला क्या होता है? QVB साइन थीटा। तो यहाँ पर हम लोग थीटा पहले ले लिए हैं, एक दूसरा एंगल फाई ले लेंगे, क्या हो जाएगा? Q2V2B1 QVB एंड साइन फाई। यहाँ फाई क्या है? फाई इज द एंगल बिटवीन B1 एंड V2। B1 और V2 के बीच का एंगल है फाई। यहाँ R और V के बीच का एंगल है थीटा। यहाँ पर B1 और V2 के बीच का एंगल है फाई। अब वैल्यू भरें, इसका नाम दे दें FM लिख दें, क्या मैग्नेटिक फोर्स निकाल रहे हैं FM। बोलो FM बराबर Q2 के जगह पर Q2, V2 के जगह पर V2, B1 के जगह बोलो क्या लिखेंगे? μ0/4π Q1V1 साइन थीटा बाई आर स्क्वायर इंटू साइन फाई। बोलो किसी को परेशानी है? अब FM बराबर हो जाएगा, देखो इसको सजा कर लिख देते हैं, μ0/4π Q1 Q2 V1 V2 साइन थीटा साइन फाई बाई आर स्क्वायर। फार्मूला देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन फार्मूला बहुत ही आसान है। अगर दो आवेश, समांतर आवेश Q1 और Q2 क्रमशः V1 तथा V2 वेग से एक दूसरे के समांतर अगर चल रहे हैं, तो उनके बीच लगने वाला चुंबकीय बल FM बराबर μ0/4π Q1 Q2 V1 V2 साइन थीटा इंटू साइन फाई बाई आर स्क्वायर होगा। अब यहाँ से कुछ केस हम लोग लिख लेंगे। मान लिया जाए कि V1 बराबर V2 बराबर V, मान लिया जाए कि दोनों आवेश एक समान वेग से चल रहे हैं। यदि V1 बराबर V2 बराबर V और एक दूसरे के समांतर चल रहे हैं, तो थीटा बराबर फाई बराबर 90 डिग्री, नहीं क्योंकि बी और वी के बीच का एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। तो समांतर है, तो जितना थीटा होगा उतना ही फाई होगा। इसके वैल्यू को भरें यहाँ पर, FM बराबर μ0/4π Q1 Q2 V1 V2, जो वी स्क्वायर कर दें और साइन 90 का वैल्यू 1, तो 1 × 1 हो जाएगा बाई आर स्क्वायर। तो अगर दोनों चार्ज का वेलोसिटी सेम हो, तो FM बराबर μ0/4π Q1 Q2 V2 / r2। अब यहाँ पर एक बात और लिख लीजिए, यदि दोनों आवेश समान प्रकृति के हों, लिखें सब लोग स्क्रीनशॉट इसका लेकर के लिखेंगे। अभी यहाँ पर लिखेंगे, यदि दोनों चार्ज सेम नेचर के हों, सेम नेचर कहने का क्या मीनिंग, या तो दोनों पॉजिटिव नहीं तो दोनों निगेटिव, या तो दोनों पॉजिटिव हों नहीं तो दोनों निगेटिव हों, तथा एक ही दिशा में गतिशील हो, एक ही दिशा में जा रहे हो, तो समांतर का बात तो एक ही दिशा में ना होगा। अगर एक ही दिशा में जा रहे हो तो चुंबकीय बल अट्रैक्शन होगा। अगर सेम टाइप का चार्ज हो सेम नेचर का चार्ज हो और सेम डायरेक्शन में जा रहा हो,
तो हम लोग कहेंगे कि इसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। अगर डायरेक्शन अपोजिट हो, अगर डायरेक्शन अपोजिट हो या आवेश डिफरेंट नेचर के हो, यानी एक पॉजिटिव हो दूसरा निगेटिव हो, एक पॉजिटिव हो दूसरा, दो केस है देखो इसमें, अगर सेम नेचर का चार्ज है तो अट्रैक्शन होगा, सेम डायरेक्शन में जाएगा। अगर डिफरेंट अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा या नेचर अगर अपोजिट होगा तब मैग्नेटिक फोर्स जो होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स का बात नहीं है, मैग्नेटिक फोर्स रिपल्सन होगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाए या अपोजिट नेचर का हो तब रिपल्सन, और अगर सेम नेचर का हो सेम डायरेक्शन में जाए अट्रैक्शन। देखो यहां पर लिख देते हैं, सेम नेचर और सेम डायरेक्शन, सेम नेचर और सेम डायरेक्शन अट्रैक्शन फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्शन होगा। अपोजिट डायरेक्शन और अपोजिट नेचर रिपल्सिव फोर्स होगा, रिपल्सन होगा। मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं, इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा होगा, सेम अगर नेचर होगा तो रिपल्सन, अपोजिट नेचर होगा तो अट्रैक्शन, या उसका जस्ट अपोजिट है। अगर सेम नेचर होगा या सेम डायरेक्शन में मूव करेगा तो अट्रैक्शन फोर्स, अगर अपोजिट डायरेक्शन होगा या अपोजिट नेचर होगा फोर्स होगा रिपल्सन। बोलो लिख सकते हैं। चलो एक बात आपको और इसमें सिखा देते हैं, मिटाते हैं इसको। तो FM बराबर क्या हो गया, म्यू नॉट क्यू वन क्यू टू वी स्क्वायर बाई फोर पाई आर स्क्वायर, या इसको पढ़ेंगे म्यू नॉट बाई फोर पाई क्यू वन क्यू टू वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। इसको मिटाते हैं, अब देखो यहां पर हम लोग FM बराबर क्या लिख सकते हैं, FM डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, FM डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर, FM इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, 1/R² लिखेंगे इनवर्सली को। ये ना फॉर्मूला है, FM बराबर म्यू नॉट बाई फोर पाई क्यू वन क्यू टू वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब हम लोग तुलना करेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स हमारा क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यही ना था। तो यहाँ से हम लोग एफ एम बराबर क्या लिखते हैं, म्यू नॉट बाई फोर पाई क्यू वन क्यू टू वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। यहाँ से एफ ई बराबर क्या लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, यही ना है। अब देखो यहाँ से हम लोग अगर एफ एम बाई एफ ई लिखें, एफ एम बाई एफ ई दोनों का तुलना कर रहे हैं, तो एफ एम की जगह पर क्या लिखें, म्यू नॉट बाई फोर पाई क्यू वन क्यू टू वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बाई एफ ई की जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। देखो कटेगा क्या, 4 पाई से 4 पाई कट गया, क्यू वन क्यू टू से क्यू वन क्यू टू कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया। देखो क्या बचा, एफ एम बाई एफ ई बराबर ऊपर में देखो क्या बच रहा है, म्यू नॉट वी स्क्वायर, और नीचे से जाके गुना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, है ना। अगर हम आपको अगर आपको याद होगा कि हम आपको बताए थे म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर
वन बाई सी स्क्वायर, याद है क्या? म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर वन बाई सी स्क्वायर, यहाँ पर यह वैल्यू भर दें तो हो जाएगा एफ एम बाई एफ ई बराबर भी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, भी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला हो गया एफ एम बाई एफ ई बराबर भी बाई सी का होल स्क्वायर, भी बाई सी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर भी जो होता है वह होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसका ऑर्डर लगभग होता है 10^-5 मीटर पर सेकेंड, 10^-5 मीटर पर सेकेंड। इस वैल्यू को अगर हम लोग भरेंगे, देखो यहाँ भी का वैल्यू बहुत ही कम और सी का वैल्यू बहुत ही अधिक, भी का वैल्यू बहुत ही कम और सी का वैल्यू, सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट 3×10^8 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग यहाँ से देखेंगे कि एफ एम का वैल्यू मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू इलेक्ट्रिक फोर्स से बहुत अधिक होता है, मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू, क्योंकि यह वैल्यू बहुत कम, यह वैल्यू बहुत ज़्यादा भाग देंगे तो बहुत ही कम, तो बहुत ही कम से गुना करेंगे अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स में, तो कहेंगे कि एफ एम का वैल्यू बहुत अधिक होता है एफ ई के वैल्यू से, एफ एम का वैल्यू बहुत अधिक होता है एफ ई से, मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू इलेक्ट्रिक फोर्स के वैल्यू से बहुत अधिक होता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या साथ साथ लिखते चलिए, हेडिंग दे दीजिए कंपैरिजन बिटवीन मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स, कंपैरिजन बिटवीन मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स, चुंबकीय बल तथा विद्युत बल में तुलना, चुंबकीय बल तथा विद्युत बल में तुलना। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोनों को कॉपी करिए, नोट्स तैयार करिए। सावन का महीना चल रहा है, सब लोग पूजा पाठ में भी व्यस्त हैं और बारिश भी लगातार हो रहा है, इसीलिए वीडियो में देरी हो रहा है, लेकिन वीडियो आपको पर डे मिलेगा, किसी भी समय मिले आपको उसका नोट्स बना करके रिवीजन करना है। तो ये कहानी हो गया हमारा बायो सावर्ट लॉ से रिलेटेड। अब हम लोगों को पढ़ना है एम्पियर्स लॉ, एम्पियर का नियम, एम्पियर का नियम। तो आज के क्लास में आप लोग यहीं तक लिखेंगे, अभी आपको केमिस्ट्री का लेक्चर मिलेगा आज। और एक सूचना फिर से आप लोगों को दे देते हैं, जो भी आपके संपर्क में 11th क्लास के स्टूडेंट हैं, जो 10th पास करके 11th में जा रहे हैं, उनसे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करवाएंगे, आज से उनको भी वीडियो मिलेगा फिजिक्स और केमिस्ट्री का। तो जो भी आपके संपर्क में हैं, आप लोगों का ड्यूटी है उन तक यह इन्फॉर्मेशन पहुंचा देना, सूचना पहुंचा देना कि प्रकाश ट्यूटोरियल भागलपुर चैनल को सब्सक्राइब करिए और घर बैठे फिजिक्स और केमिस्ट्री का लेक्चर 11th क्लास का भी गेन करिए। आज के क्लास में यहीं तक रहने देते हैं, अगले क्लास में हम लोग एम्पियर का नियम और उसका अप्लीकेशन पढ़ेंगे। एम्पियर का नियम क्या कहता है? एम्पियर के नियम से भी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। बायो सावर्ट लॉ और एम्पियर्स लॉ में क्या डिफरेंस है, सबसे लास्ट में हम लोग यह बात देखेंगे। आज के क्लास में यहीं तक रहते हैं, अगले क्लास में हम लोग फिर से पढ़ेंगे एम्पियर्स लॉ और एम्पियर्स लॉ का अप्लीकेशन। थैंक यू।